इस वीडियो में आप देखेंगे कि आयत यानी कि रेक्टेंगल वाले सवालों को किस तरह से किया जाता है। तो रेक्टेंगल के ऊपर इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा और इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। यदि आयत का परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर 40 सेंटीमीटर हो तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप आयत क्या होता है उसे समझ लीजिए, यानी कि रेक्टेंगल क्या होता है उसकी प्रॉपर्टी को पहले आप समझ लीजिए, उसके बाद इसके सवाल को हम समझेंगे। तो रेक्टेंगल किसे कहा जाता है? रेक्टेंगल एक इस तरह का फिगर होता है, इस तरह की एक आकृति होती है जिसी उसी को रेक्टेंगल कहा जाता है। आपके घर में बेड होगा, आपने बेड जरूर देखा होगा और आपके घर में बेड होगा भी, तो बेड की आकृति इसी तरह होती है। आपने देखा है कि एक तरफ से वो लंबा होता है और दोनों आमने सामने की जो होती है लाइनें वो बराबर होती हैं, और दूसरे तरफ जो होता है वो उसकी चौड़ाई होती है बेड की, तो और उसके आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो आपस में बराबर होती हैं। तो इस तरह की जो आकृति होती है उसी को रेक्टेंगल इंग्लिश में और हिंदी में आयत कहा जाता है। तो यानी कि आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि आमने सामने की उसकी भुजाएँ जो होती हैं, लाइनें जो होती हैं वो बराबर होती हैं और वो चाहे जितना भी आगे बढ़ जाए वो एकदम सीधी चलती रहेंगी, कहीं भी आपस में कट नहीं करेंगी। और अगर बीच में इनके डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर का है तो 2 ही सेंटीमीटर का रहेगा, ये नहीं कि आगे जाके 3 सेंटीमीटर नहीं होगा, 4 सेंटीमीटर नहीं होगा, यानी कि इसके बीच में जितना गैप है वो चाहे जितना आगे चला जाए उतना ही गैप मेंटेन रहेगा। तो आपने देख लिया कि आयत की आमने सामने की जो लाइनें होती हैं वो बराबर होती है, इधर की भी आमने सामने की लाइनें बराबर होती हैं, और दूसरी बात इसकी है कि इसमें जो चारों कोण होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं, यानी कि यहाँ पे भी 90 डिग्री का कोण बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री और यहाँ भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो अब आप समझ गए होंगे कि आयत किसे कहा जाता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसके चारों कोण 90 डिग्री के हों, और इन 90 डिग्री सारे कोणों को जोड़ लेंगे तो आपका 360 डिग्री आ जाएगा। टोटल 360 डिग्री होता है, लेकिन आपको याद ये रखना है कि इसके सारे कोण जो होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो इतनी बात आप समझ गए, अब आप अपने सवाल पर आ जाइए। आपके सवाल में दिया गया है कि एक आयत की जो लंबाई है, लंबाई इसे कहते हैं और चौड़ाई इसे कहते हैं, यानी कि ये लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो लंबाई आपके सवाल में दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि ये जो लंबाई है इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसकी जो चौड़ाई है इसको हम मान ले रहे हैं एक्स, इसकी चौड़ाई को हमने x मान लिया, और इसकी लंबाई कह रहा है कि इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, यानी कि x तो है और इसमें 5 सेंटीमीटर और ज्यादा है, तो उसके लिए 5 इसमें और जोड़ दीजिए, तो ये आ गई आपकी इसकी लंबाई। तो लंबाई हमने किस तरह निकाली, x प्लस 5 और इसकी चौड़ाई हो गई x। दूसरा आपके सवाल में स्टेटमेंट दिया गया है कि इसका परिमाप जो है, इसका पेरीमीटर जो है वो 40 सेंटीमीटर है। पेरीमीटर यानी कि परिमाप कहाँ किसे कहा जाता है, मान लीजिए आपने यहाँ से चलना शुरू किया तो यहाँ तक गए तो कुछ दूरी आपने चली, फिर यहाँ से यहाँ तक गए तो कुछ दूरी चली, अब ये दूरी और ये दूरी जोड़ लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आप आए, इसको जोड़ा आपने, इसको भी जोड़ लिया, इसको भी ऐड कर लिया, उसके बाद फिर यहाँ से यहाँ तक आए और इसको भी ऐड कर लिया, यानी कि टोटल डिस्टेंस को आपने ऐड कर लिया और यहाँ पर फिर पहुँच गए, तो कितनी दूरी है वो, उस 40 सेंटीमीटर है, इसी को परिमाप और इंग्लिश में पेरीमीटर कहा जाता है, यही आपके सवाल में दिया गया है। और पेरीमीटर का फार्मूला होता है परिमाप का आयत के लिए, यानी कि रेक्टेंगल के लिए, ये आप याद कर लीजिए। आयत का जो परिमाप होता है 2 होता है बाहर और ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, L से लंबाई और इंग्लिश में लेंथ और B से ब्रेथ यानी कि चौड़ाई होता है। तो इसका परिमाप का फार्मूला ये होता है, और परिमाप बराबर आपके क्वेश्चन में 40 दिया गया है, 40 सेंटीमीटर। तो लंबाई हमने यहाँ से देख लेंगे, लंबाई x प्लस 5 है तो x प्लस 5 लिख देंगे, ये आपकी लंबाई हो गई, और ब्रेथ कितनी दी गई है, B की जगह x रख देंगे और ये ब्रैकेट अपना बंद कर देंगे, बाहर 2 लिखा है, बराबर में 40 लिखा हुआ है, इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो ये हट जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये x लिखा है, ये x लिखा है, x x जुड़ जाएगा तो 2x आ जाएगा, तो ये 2x प्लस 5 हो जाएगा, ब्रैकेट बंद है, बाहर 2 लगा है, बराबर 40 लिखा हुआ है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 4x प्लस 10 आ जाएगा, बराबर 40 लिखा हुआ है, 10 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो 40 में से 10 घट जाएगा तो 30 आ जाएगा, यहाँ पे 4x लिखा हुआ है। उसके बाद आप क्या करेंगे, 4 को बराबर के उधर ले जाएंगे तो हो जाएगा 30/4, जब 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 15/2 आ जाएगा, और 15/2 को जब और डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 7.5 सेंटीमीटर, यानी कि इसकी जो चौड़ाई निकल कर आ गई है 7.5 सेंटीमीटर आ गई है, और
इसको आप यहाँ लिख लेंगे 7.5 इसकी चौड़ाई है, और ये लंबाई अगर निकालेंगे तो इसी में आप 5 और जोड़ देंगे, 7.5 में 5 और जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 12.5 सेंटीमीटर आ जाएगा, यानी कि इसकी लंबाई 12.5 सेंटीमीटर और उसकी चौड़ाई 7.5 सेंटीमीटर हो गई है इस तरह। तो इस वीडियो का दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, और इसमें लिखा हुआ है कि एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है यदि आयत का परिमाप यानी कि उसका पेरीमीटर 32 मीटर हो, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये सवाल बहुत ही आसान है, अगर आपने इस सवाल को आसानी से पढ़ लिया है, अच्छे से समझ लिया है, तो बहुत ही आसानी के साथ आप इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले आयत की बात हो रही है यानी रेक्टेंगल की बात हो रही है, तो आप रेक्टेंगल का एक फिगर बनाएंगे यानी रेक्टेंगल की आकृति बनाएंगे। तो आपको मालूम है रेक्टेंगल इस तरह का होता है, और आपके सवाल में क्या दिया गया है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई की 3 गुनी है, तो चौड़ाई हम x मान ले रहे हैं और उसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है तो 3x ये मान ले रहे हैं। क्यों मान ले रहे हैं, क्योंकि गुनी है, गुनी का मतलब होता है उसी में मल्टीप्लाई कीजिए, गुणा कीजिए। अगर आपसे गुनी की बात होती है, 3 गुनी है, 4 गुनी है, तो उसी नंबर में आप उससे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 और x के बीच में कोई निशान नहीं है, कोई सिंबल नहीं है, इसका मतलब 3 और x जो है वो मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। अब आपके स्टेटमेंट में दिया गया था कि आयत की चौड़ाई जो है, आयत की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है, तो हमने लंबाई मान लिया 3x और x चौड़ाई मान लिया, इसकी लंबाई इसकी चौड़ाई से 3 गुनी है तो हमने लिख लिया। उसके बाद अगला स्टेटमेंट आपके सवाल में दिया गया है कि यदि आयत का जो परिमाप है, जो पेरीमीटर है, वो 32 मीटर है, तो आपको पेरीमीटर का फार्मूला मालूम होना चाहिए। पेरीमीटर का फार्मूला होता है यानी कि परिमाप का फार्मूला होता है आयत के लिए, यानी कि रेक्टेंगल के लिए क्या होता है, 2 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। L का मतलब लंबाई यानी कि लेंथ, और B का मतलब ब्रेथ यानी कि चौड़ाई। तो ये आयत के परिमाप का फार्मूला होता है, और आयत का परिमाप आपका दिया गया है क्वेश्चन में 32 मीटर। उसके बाद लंबाई क्या हमने मानी है, 3x, तो L की जगह 32 रख देंगे, प्लस B यानी चौड़ाई, चौड़ाई x है तो x रख देंगे, ब्रैकेट बंद करके 2 लगाएंगे, बराबर 32 लिख देंगे। उसके बाद 2 को बराबर के उधर ले जाएंगे, ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, 2 बराबर के उधर ले जाएंगे तो 2 यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। फिर आप इसको यहाँ पे काटेंगे, तो आप यहाँ पे काटने के बजाय आप डायरेक्ट भी यहाँ से काट सकते हैं, 2 का पहला एक बार पढ़िए, 2 1 जा 2, फिर 2 से यहाँ काटिए, 2 1 जा 2 एक बचेगा, 2 6 जा 12 होता है, 16 बार में पूरा कट गया। यहाँ क्या लिखा हुआ है, 32 हमने गलत लिख दिया, यहाँ पे 3x था तो यहाँ 32 नहीं 3x आएगा, ठीक है। तो 3x और x मिला के कितना हो जाएगा, 4x, तो 4x बराबर कितना है, 16 लिखा हुआ है। अब 4 फिर आप बराबर के उधर ले जाएंगे तो 4 डिवाइड में आ जाएगा, फिर आप डिवाइड में काटेंगे तो आप डायरेक्ट भी यहाँ से इन दोनों को काट सकते हैं, तो 4 का पहाड़ा एक बार में आएगा, 4 1 जा 4 यहाँ काटेंगे, 4 4 जा 16 होता है, तो यानी 4 बार में कट गया। तो x बराबर क्या निकल के आ गया, 4, और x हमने क्या माना था, इसकी चौड़ाई मानी थी, चौड़ाई ये दोनों बराबर होती है, यानी कि चौड़ाई हमने 4 मीटर निकाल लिया है इस आयत की यानी कि इस रेक्टेंगल की, और लंबाई इसकी क्या है, 3x है, यानी जो भी x की वैल्यू आई है उसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो x की वैल्यू 4 आई है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 3 12 होता है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो, लंबाई जो है वो 12 मीटर, और चौड़ाई जो है इसकी, ब्रेथ जो है वो 4 मीटर निकल कर आ गई। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपको जिन भी लोगों को जानते हैं जिन्हें भी इस तरह की वीडियो की ज़रूरत है, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन तक इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दिया करिए, ताकि उनका भी भला हो जाए, वो भी मैथ को अच्छे से सीख सकें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसी ही और कौन सी वीडियो आप देखना चाहते हैं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। मैं फिर हाजिर होऊंगा किसी और वीडियो में, जब तक के लिए आप बने रहिए जय अक्सर के साथ।